स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिप बोन को स्टडी करेंगे, हिप बोन के मसल अटैचमेंट और उसकी बोनी फीचर्स देखेंगे। हिप बोन की बोनी फीचर्स, पहले इसको पकड़ने का तरीका देखते हैं। ये ग्रेटर शैडी फोरामेन होता है। ग्रेटर शैडी फोरामेन में हम अपना हाथ डालते हैं, ठीक है, और एसिटैबुलम को अपनी फिंगर से कवर करते हैं। जिस हाथ हमने पकड़ी है उस हाथ की बोन है। दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजिशन। ये हिप बोन की और ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। इसके ये तीन बोन से मिलकर बना होता है। नंबर वन होता है हमारे पास ये फैन शेप्ड होती है, ये आइलिक्स इलियम फैन शेप होती है, ये इलियम होती है, ठीक है। देन हमारे पास जो ये एंटीरियरली आ रही होती है, ये हमारे पास प्यूबिस होती है, और पोस्टीरियरली बड़ी सी मोटी सी होती है, ये हमारे पास इस्कियम होती है, ठीक है। और ये हमारे पास एसिटैबुलम होता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आईली क्रेस्ट और इसकी अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी पोजीशंस देखते हैं। सबसे पहले ये जो फैन शेप हमारे पास इलियम थी, इसका एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और एक ये मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है, जो हमारे पास ये सैक्रोपेल्विक सर्फेस के साथ मीडियल बॉर्डर होता है। अब हम देखते हैं इसका मीडियल बॉर्डर आगे जाके ये पेक्टिनियल लाइन बनाता है, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी नॉचेस देखते हैं। ये एंटीरियर साइड थी, इस तरह से मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ा हुआ है। तो इसका एंटीरियर सुपीरियर आइलिक्स स्पाइन है, एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक्स स्पाइन है। पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक्स स्पाइन है और पोस्टीरियर इन्फीरियर आइलिक्स स्पाइन है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। तो अगर मैंने इसको कवर किया हुआ इस तरह से, एसिटैबुलम के ऊपर ग्लूटियल सरफेस होती है, इलियम की सामने की तरफ इलियक सरफेस होती है, और ये सैक्रोपेल्विक सरफेस होती है, ठीक है। और ये हमारे पास आइलिक क्रेस्ट होता है। अब हम आइलिक क्रेस्ट को डिस्कस करें तो आइलिक क्रेस्ट एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड हुई है, ठीक है। अब हम पहले ये इलियम के मसल अटैचमेंट देख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन में जो मेन इंपॉर्टेंट मसल होता है, सार्टोरियस होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट लगा हुआ होता है, और ये आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट पे टेंसर फेशियल लैटा मसल लगता है, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर रेक्टस फेमोरिस मसल लगता है। अब हम आते हैं पेक्टिनियल लाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइलिक क्रेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका एक एंटीरियर 2/3 होता है और पोस्टीरियर 1/3 होता है। एंटीरियर 2/3 ये तीन लिप्स में डिवाइड हुई होती है इस तरह से। ये आउटर लिप है, ये मीडियल लिप है, ये इनर लिप है, ठीक है। आउटर लिप की बात करें तो आउटर लिप के ऊपर एक्सटर्नल ओब्लीक मसल लगता है, मिडिल पे इंटरनल ओब्लीक लगता है, और इनर लिप के ऊपर हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। जो आउटर लिप है उससे आप ऐसे पता कर सकते हैं कि एसिटैबुलम के सामने, एसिटैबुलम के साथ होता है, एसिटैबुलम उस साइड पर, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल लगे। ये हमने एंटीरियर 2/3 के अटैचमेंट को देख लिया। अब हम पोस्टीरियर 1/3 के अटैचमेंट को देखते हैं। पोस्टीरियर 1/3 पे ये आउटर साइड के ऊपर ये जो हमारे एसिटैबुलम वाली साइड है उसमें लैटिसिमस डॉर्साई लग रहा होता है, और इनर वाली साइड के ऊपर क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस हम एल से याद रख सकते हैं, लैटिसिमस डॉर्साई एल से और लंबोरम एल से इनर साइड पे, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्टीरियर वाले पार्ट पे, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे। तो पोस्टीरियर पे जो हमारे पास आउटर पार्ट था इसके ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस का पोर्शन आ रहा होता है, और जो इनर वाला पार्ट था उसके ऊपर हमारे पास आ रहा होता है इरेक्टर स्पाइनी मसल, इरेक्टर स्पाइनी मसल, ठीक है। अब हम आते हैं ग्लूटियल सर्फेस पे। ग्लूटियल सर्फेस को तीन लाइन से डिवाइड किया हुआ होता है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। एक हमारे पास एंटीरियर लाइन होती है, एंटीरियर लाइन होती है, एक पोस्टीरियर लाइन होती है, पोस्टीरियर लाइन होती है, और एक हमारे पास इंफीरियर लाइन होती है। अब हमारे पास हम देखते हैं इसको, तो ये जो हमारे पास ये सैक्रोपेल्विक सर्फेस थी उसके पीछे ग्लूटियस मैक्सिमस लगता है, फिर ग्लूटियस मीडियस लगता है, और सामने वाली साइड पे एंटीरियर साइड पे ग्लूटियस मिनिमस लगता है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, ये हमने बता दिया। इलियक सर्फेस के ऊपर इलियाकस मसल लग रहा होता है, ठीक है, ये हमने मसल अटैचमेंट बता दिया। अब हम आते हैं इसको स्टॉप कर दो।